नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कोरोना काल में बिना परीक्षा लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम पिछले दिनों घोषित हुआ था, जिसमें झारखंड का बेहतर रिजल्ट सामने आया। लेकिन इस दौरान कई कॉलेजों के इंटर के परिणाम को लेकर छात्रों में विरोधाभास है, क्योंकि सैकड़ों छात्र फेल भी हो गए। ऐसे में छात्रों का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा का परिणाम नहीं जोड़ने की वजह से फेल किया गया है, जबकि वे सभी विषय में पास हैं, इसलिए उनके प्रैक्टिकल अंक जोड़कर पास किया जाए। ऐसा ही एक मामला वुमेन्स कॉलेज में देखने को मिला, जहां छात्रों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि कॉलेज की लापरवाही के कारण सैकड़ों छात्र फेल कर दिए गए हैं, जबकि किसी भी छात्र की परीक्षा नहीं ली गई है। तो फिर कुछ छात्र पास किए गए तो कुछ छात्रों को फेल किस आधार पर किया गया। छात्रों की मांग थी कि कॉलेज प्रशासन फेल किए गए सैकड़ों छात्रों को भी पास करें, अन्यथा वे लोग कॉलेज गेट के समीप धरना पर बैठ जाएंगे। वैसे छात्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से भेंट कर छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए फेल किए गए सभी छात्रों को पास करने की मांग की है। एग्जाम भी नहीं लिया गया, लेकिन हम सबको कुछ कुछ बच्चों को पास कराया गया, जबकि किसी का एग्जाम नहीं हुआ है और हम लोग को फेल करा दिया गया, ठीक है, जबकि हम लोग 11th में भी पास आउट कर चुके हैं, तो हम लोग को भी तो पास कराना चाहिए ना। हमारा इसमें क्या गलती कि हमें फेल कराया गया, हमारा प्रैक्टिकल भी नहीं लिया गया और हम लोग एक्स रेगुलर है, ठीक है, हम लोग को फेल कर दिए गए हैं और हम लोग को कुछ बोल भी नहीं रहे, बोल रहे कि कॉलेज के थ्रू कुछ नहीं हो सकता, काउंसिल में जाओ, जो करना है करो। यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा किस क्लास के आप लोग? हम लोग 12th इंटरमीडिएट के हैं, तो हमें बस यही रीजन चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए भी सर, सिर्फ हम लोग 19 लड़कियां हैं इम्प्रूवमेंट के, ठीक है, हम लोग 19 हैं, हम लोग के लिए ना टाइम टेबल निकाला गया ना कुछ, हम लोग के लिए बस बोला गया कि आप लोग एग्जाम तो आज क्या चाहती हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि हम सबको पास कराया जाए, क्योंकि हमारा 2 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, 1 साल भी बर्बाद होगा अगर ये लोग हमें कुछ नहीं बोलेगा, और हम लोग 1 साल हो चुका है, 1 साल एडमिशन भी नहीं हो पाया सर, डिमांड पूरा नहीं होता है तो क्या कीजिएगा आगे? यहीं पे रहेंगे हम लोग, जब तक प्रिंसिपल नहीं मिली हम लोग यहाँ से निकलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हम लोग यहीं रहेंगे, फेल कराएगा हमें पास कराएगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।